देखिए, कल तक हमने आप लोगों को स्टार कनेक्शन के लिए हम बताए, लेकिन देख लीजिए स्टार कनेक्शन करना बहुत इजी है और समझ से भी थोड़ा नहीं है, ज़्यादा दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ता है। वो हम इसलिए बताए थे स्टार में कि कभी भी ब्रेक डाउन फंस जाता है, मान लें मोटर में स्पार्क हो गया, आग लग गया, अब उसको जल्दी बनाना है और जल्दी चलाना है, उसके लिए हम स्टार कनेक्शन बताए थे। लेकिन रहा लोड की बात है, हर का लोड उसमें क्या, स्टार में आप लोड कितना दे सकते हैं, कितना देर चला सकते हैं मोटर को, ये नहीं कि चालू कर दिए आप छोड़ दिए और चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। वो 4 घंटा 8 घंटा विधि में 12 घंटा के अंदर अंदर उसको डेल्टा में कर दीजिए, नहीं तो मोटर गर्म होगा और जल जाएगा तो और महंगा पड़ जाएगा। इसलिए ये कोशिश यही किया जाता है कि हम अधिक से अधिक मोटर को डेल्टा में ही चलाएं। जितना भी वाशरी, जितना भी फैक्ट्री वगैरह जो है, जो भी मोटर चलता है सब डेल्टा में चलता है, स्टार में कम चलता है। स्टार और डेल्टा एक ऐसा है जो केवल डेल्टा में ही चलता है, और एक ऐसा है स्टार डेल्टा दोनों में चलता है। तो स्टार डेल्टा जो दोनों में चलता है वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग है उसका। वहाँ स्टार्टर का जो हम लोग यूज करते हैं, उसका यूज जो करते हैं, स्टार डेल्टा दोनों चलाते हैं, वह जो है वो कौन कौन से है, वह दोनों यही है, यही आटा चक्की जो है और वाटर पंप जो मोटर है वो चलाते हैं, स्टार डेल्टा दोनों चलाते हैं वो। लेकिन वो स्टार डेल्टा करने के लिए आपको पहले आप स्टार्ट तो कर दिए, तीनों फेज आप डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए, एक तीनों दिए आपको मोटर चल जाएगा, लेकिन डेल्टा चलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगा। देखिए डेल्टा क्या है कि आप ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस मतलब तीनों फेज बराबर बैलेंस में है कि नहीं, ये आपको खोजना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसमें अनबैलेंस हो जाएगा तो लोड लेके जैसे दीजिएगा डेल्टा कनेक्शन कीजिएगा, आप तुरंत अनबैलेंस होगा, तुरंत MCB ट्रिप कर जाएगा और ब्रेकर ट्रिप करता रहेगा, परेशान हो जाइएगा, वो मोटर नहीं चलेगा जब तक फेज सीक्वेंस नहीं होगा, तीनों बराबर होना चाहिए। इसी को देखिए, ये है डेल्टा। ये डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि ये मोटर है, ये मोटर में 3 वाइंडिंग होता है, तीनों वाइंडिंग का ए देखिए दिया हुआ है, एल्डर में एक वाइंडिंग ए है बी है सी, 3 वाइंडिंग है और तीनों का ट्रेडमार्क 6 को बाहर किया हुआ रहता है। आप जो मान लीजिएगा क्या कितना लोग गलती करता है, जैसे मान लिया E1 इसको ग्रुप मान लिए, इसको A1 कर दिए, इसको A2 कर दिए, ठीक है, इसको आप B1 मान लिए, इसको B2 कर दिए, ये आप यहाँ है, ये C2 मान लिए, ये C1 मान लिए, आप माने हैं, एक्चुअली है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। इसलिए हम लोग फेज सीक्वेंस करते हैं, हो सकता है जिसको आप A2 माने हैं हो सकता है A1 हो, ऐसा भी हो सकता है जिसको B1 माने हैं वो हो सकता है B2 हो, लेकिन एक्चुअली सही होना चाहिए, यदि B2 है तो B2 ही होना चाहिए, नहीं तो फेज सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि जो वार्निंग करता है, वाइंडर जो होता है जो वार्निंग करते हैं वह है स्टार्ट फिनिश हर में वैसे होते रहता है, तो हर वार्निंग का होता है, वह समय टर्म अधिक होता है, क्वाइल अधिक होता है, सबका ग्रुप बनाया जाता है और सब ग्रुप बना करके फेज सीक्वेंस किया जाता है। फेज सीक्वेंस यदि कह करें कि ये सही एक कन्फर्म होना है कि यही A1 है पक्का, यही A2 है, तब आप आराम से कनेक्शन कर दीजिए, मोटर दे दीजिए, आराम से चलता रहेगा। लेकिन पकड़ना है उसको कि एक्चुअली है कैसे, तो ये इसके लिए हम लोग फेज सीक्वेंस हम लोग करते हैं। सपोज कीजिए अब आप देखिए ये 3 वायर लिया, देखिए A B C ये 3 ग्रुप मोटर का बाहर निकाल दिए। देखिए हम फेज सीक्वेंस कहते हैं, आज हो सकता है आज आप लोगों को समझ नहीं आया, हो सकता है तो हम प्रैक्टिकल हम दूसरे दिन करेंगे, तो वहाँ ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपका सर्विस की बात है, लाइफ की बात है, आगे आप बढ़ नहीं चाहिए। अगर मोटर वगैरह ठीक से कनेक्शन नहीं कर सकेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमेरिट होगा, आपको निकाला जा सकता है। इसलिए आप समझिए बात को कि अच्छा समझ लीजिए, आज जितना समझ में आज ठीक है, नहीं तो फिर तो बस में देख लीजिएगा। देखिए तीनों टर्मिनल ऐसे हम बाहर कर दिए, मोटर है ये, मोटर का 6 टर्मिनल है, इसका है A B C 3 ग्रुप आप चुन लीजिए, आप पेयर निकाल लीजिए, किससे, टेस्ट लैंप से, मेजर से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले टेस्ट लैंप से निकालिए,
कैसे, जब फर्स्ट में हम एक फेयर इंटर लेंगे टेस्ले में, एक को जला के देखेंगे ये इसका पेयर है कि नहीं, पेयर चुन लिए उसको ए मान लीजिए, जैसे जिसके साथ बत्ती जला डीम जला वो उसका जोड़ा हो, उसका पेयर हुआ, तो वो आप ए बी सी करके लिख दीजिए सीधा सीधी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, आप अब ये है, आप मान लिए ए वन, ये मान लिए ए टू, ये मान लिए बी बी वन, ये बी टू, ये सी वन सी टू, हाँ मान लीजिए, तो मानना आपकी मर्जी है, आप जहाँ बी माने हैं वहाँ सी भी मान सकते, लेकिन वो पकड़ाने है नहीं होगा तो दिक्कत हो गया। अब देखिए हम उसको बता रहे हैं कि कैसे हम उसको पकड़ेंगे, उसको हम कैसे बाहर करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इस मोटर में ये जो दो बटन में आप माने हैं, ये आपका माना हुआ है, ये दोनों को आपस में यहाँ शॉर्ट कर दीजिए ऐसे, ये ध्यान रहे, ख्याल रहे कि हम क्या किए, ये छः टर्मिनल एक दो तीन चार पाँच छः है, तो हम दो को शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करके एक न्यूट्रल इसमें ऐसे सप्लाई इसमें दे दी, न्यूट्रल दे दी, बचा ये, इसमें हम एक टर्मिनल जो है इसमें हम फेंक दे दी। इसके बाद 100 वाट का बल्ब टेस्ले में ले लेंगे, ये 100 वाट का, एक इसमें कनेक्शन करेंगे और एक यहाँ कनेक्शन कर देंगे। देखिए अब हम क्या क्या किए, ये ध्यान रहे, हर समय लगा गलती करता है और इसका रिजल्ट होता है कि मोटर नहीं चल पाता है। अब देखिए क्या है, इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको लाइन इसमें देंगे, जैसे लाइन दीजिएगा तब क्या होगा कि जैसे लाइन दीजिएगा तो ये लाइट पर डिपेंड करता है, ये लाइट हम देखेंगे बॉल कि मेरा बॉल कैसा जल रहा है, अगर ये डीम जल रहा है मतलब ब्राइट नहीं है डीम है, तब समझिए कि ये जो कनेक्शन इज राइट, माने ये ए टू है बी ए टू होगा बी वन होगा ही कंफर्म। इन केस अगर ये ब्राइट हो गया लाइट अधिक हो गया तब इस कनेक्शन नहीं गलत है, आप तुरंत इसको टर्मिनल को चेंज कर दीजिए, ये को यहाँ कर दिए इसको वहाँ कर दीजिए, कोई एक को चाहे इसको या इसको चेंज कर दीजिए, जैसे चेंज कर फिर लाइन दीजिए आप और लाइन देख देखिए कि डीम होता है कि नहीं, जैसे डीम हो जाए तब समझिए कि ये टर्मिनल मिला बिल्कुल सही है, जब ये मिल जाए तो ये कन्फर्म हो गया कि ए वन ही है ये बी ए टू ही है, कन्फर्म हो गया ये वो बी वन है ये बी टू हुआ, ये कन्फर्म हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा ग्रुप को भी देखेंगे कैसे, जैसे ये पकड़ा दिया आप इसको यहाँ हटा दें, ऐसे हटा दिए इस तरह से, इसको हम मिटा देंगे और सी वन ग्रुप को ले लें ऐसे, ये देखिए यहाँ ये बचा, इन दोनों को ऐसे शॉर्ट कर दिए, यहाँ हम इसको न्यूट्रल ऐसे देखिए ऐसे, और फेक जो है ये जो फेक दिए हैं यहाँ, यहाँ जो फेक दे रहे हैं ये देखिए यहाँ पर फेंक दीजिए, इसमें हम फेंक दे दे रहे हैं यहाँ फेंक दीजिए, और बॉल जो लगाए हैं आप इसे इसमें इसको छोड़ दीजिए, यहाँ बॉल लगा दीजिए ऐसे, ये बॉल है एक का कनेक्शन इसमें और दूसरे का कनेक्शन इसमें लगा दीजिए। देखिए फिर हम लाइन देंगे, हम जैसे लाइन हम देंगे तब क्या होगा, अगर ये ब्राइट जला तो ये जो कनेक्शन किए हैं ये गलत है, ये ब्राइट जलेगा ही नहीं, तुरंत आप चाहे इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, ये जो इसको बी टू माने हैं इसको ए वन मानिए, इसको बी टू मानिए, ये ध्यान रहे, अगर ये डीम जला तब ये कनेक्शन आप जो माने हैं बिल्कुल सही है, ये अगर आपको पता लग गया ये डीम हो रहा है ये कन्फर्म हो गया कि यही ये टर्मिनल है, तब ये जो माने हैं ए वन ए टू ये हैं बी वन बी टू ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम कनेक्शन करना है तो कैसे कनेक्शन होगा, इस तरह से, ये जब आप कन्फर्म हो गए सब टर्मिनल मालूम हो गया, लेकिन बिना टेस्टलेम का नहीं होगा, ये हर समय टेस्टलेम लगाना ही है। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद हम इसको कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ कर दिए जैसे ए वन ए टू कर दिए सी वन सी टू इस तरह कनेक्शन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यहाँ लाइन दे दीजिए मोटर चलना लगेगा। ये जान लीजिए ये हैवी ताकत क्या है, जैसे आदमी मोटा है खूब लेकिन ताकत कम है, पतला है लेकिन खूब ताकत है उसको, तो कहने मतलब ये अब क्या होगा, इसमें जो लाइन दीजिएगा कि पूरा बैलेंस होकर चलता रहेगा, मोटर चलते रहेगा, आप 5 साल चलाते रहिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटर कभी गर्म नहीं होगा,
ना ये जलने की संभावना होगी। अब देखिए ये है आपका केवल डेल्टा, केवल डेल्टा में चलेगा यह कनेक्शन जो है। डेल्टा कनेक्शन होता है जहाँ हैवी हैवी प्लांट, हैवी मोटर, हैवी पंप जो चलता है वहाँ पर डेल्टा में ही चलता है। वहाँ जो स्टार्टर यूज होगा हम आपको सब बताएंगे, स्टार डेल्टा और ड्यूअल स्टार्टर कहाँ यूज होता है वो हम सब कुछ बताएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए बात को। यहाँ जो आटा चक्की जो आप लोग आटा पिसाते हैं वहाँ देखिए जो स्टार्टर लगा रहता है वह क्या है, पहले स्टार में होता है, दो हैंडल एक हैंडल लगा रहता है, नीचे करते हैं जब पूरा स्पीड पड़ता है तब हम डेल्टा में करते हैं, क्योंकि आप उसको अधिक उसको पीसना है, गेहूँ पीसना है, लोड चाहिए तो फर्स्ट में स्टार में, फर्स्ट में स्टार मैंने पूरा स्पीड जब चक्की पकड़ लेता है तब वो क्या करता है वो हैंडल ऊपर कर देता है, डेल्टा हो जाता है और पूरा लोड लेके चलना शुरू होता है। आप गेहूँ जितना पीसते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार ये है पंप, ये पंप है जहाँ बहुत बड़ा तालाब है, कुआं है, जहाँ से पानी हमको खींच के लाना है वहाँ पर जो पानी हम ले जाते हैं, तो फर्स्ट मोटर को हम स्टार में करते हैं, वहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है हम बताएंगे दूसरे दिन, लेकिन ये तब स्टार चला के तब डेल्टा करते हैं। यही दो चक्की जो है स्टार और डेल्टा दोनों में चलता है, लेकिन यह जो है अधिकतर डेल्टा में ही चलता है। तो आप ये अगर ये समझ में आपको रहा नहीं आया, ये नहीं आया होगा जो समझ लीजिए, तो हम प्रैक्टिकली हम वहाँ वर्कशॉप में जाएंगे और हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कृपा करके ध्यान दीजिएगा तो आप तुरंत सीख जाइएगा, नहीं तो फिर क्यों। आज इतना ही।